आप सभी का पढ़ई द्वार द्वार जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें स्वागत है और एससीईआरटी द्वारा संचालित जो राज्य स्तरीय है इस कक्षा में आपको घर बैठे ही पढ़ाई की सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकि आपकी पढ़ाई इस कोरोना पीरियड में इस कोरोना महामारी में सुचारू रूप से चलती रहे और आप परीक्षा में और जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई में जो आपकी पढ़ाई है वो बाधित ना हो, है ना। तो मैं प्रीति रानी तिवारी शासकीय हाई स्कूल बरौदा में संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। चूंकि ये संस्कृत की कक्षा है इसलिए मैं आप सभी को कहूंगी सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या कहूंगी? सर्वेभ्यो नमो नमः। और संस्कृत की कक्षा में तो संस्कृत कक्षायाम सर्वेषां स्वागतम अस्ति। आपका इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं का कौन सा पाठ पढ़ेंगे? षोडश पाठ। षोडश पाठ मतलब गिनती में आ गया, षोडश मतलब क्या हो गया? सोलह पाठ, है ना। कौन सा पाठ आ गया? सोलह पाठ। षोडश गिनती है चूंकि तो हम संस्कृत में ही संस्कृत की कक्षा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? षोडश को सोलवा पाठ, ठीक है ना। कौन सा पाठ है हमारा? नीति नव नितानी। नीति नव नितानी, नीति मतलब बहुत सारे जगह पे महाभारत में रामायण में सब नीति वाक्य नीति वचन बोले गए हैं, उसी की ही जो कुछ विचार है उसके ही जो कुछ विचार है उसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे ताकि जीवन में आप उन वचनों को उन संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करें और वैसे ही संसार में व्यवहार करें, है ना। और सारी वो सत्य बातें हैं, उन्हीं के द्वारा ही हमारे जीवन का क्या होता है? आचरण होता है, व्यवहार होता है। तो इस पाठ का नाम जैसे है नीति नवनीतानी, नीति के नवीन विचारों को हम आत्मसात करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? आप तैयार हैं? चलिए अपनी किताबें खोल लीजिए, फिर हम इस पार्ट 16 को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। पहला श्लोक क्या है हमारा बच्चों? पहला श्लोक क्या है? विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमापनोति धनाद धर्म तत सुखम, है ना। तो जब भी हम कोई श्लोक या नीति के वचन है या सुभाषितानी है, जो भी हमारे पद्य क्वेश्चन है, जो हमारे कविता वाले हैं, श्लोक वाले को है, जो पाठ है उनको हम कैसे पढ़ेंगे? लय के द्वारा, है ना, ताकि हमको वो क्या लगे? बहुत अच्छा लगे और हम उसको जल्दी से याद कर सके, अपने मस्तिष्क में बिठा सके, है ना। यदि हम ऐसे पढ़ लेंगे विद्या ददाति विनियम विनियाद तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन हम उसको लय के माध्यम से, है ना, और संगीत के माध्यम से या कुछ उसको बहुत प्यारे तरीके से यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हमको मस्तिष्क में क्या होता है? हम उसको जल्दी ही याद कर लेते हैं, है ना, उसको अपने ग्रहण कर लेते हैं, त्वरित ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में। तो चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमापनोति धनाद धर्मः ततः सुखम, है ना। अब चलिए, हमने पढ़ना सीख लिया, हमने लय लय के तरीके से गति और लय के माध्यम से इसको पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? इसका अर्थ समझेंगे, इसका क्या करेंगे? हम अनुवाद समझेंगे, है ना। तो कौन से पाठ से ये श्लोक लिया गया है? जैसे मान लीजिए आपका परीक्षा में आता है तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे हमने तो इसको ऐसे तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसको याद किया था, कौन सा पाठ है? तो तुरंत आपको याद आ जाएगा सोलह पाठ, षोडश पाठ। कौन सा पाठ है ये? षोडश पाठ नीति नवनीतानी। चूंकि इसमें हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे आचरण के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में बताया गया है जो कि सत्य है, शाश्वत सत्य है, और इसी के बारे में हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? विद्या ददाति विनियम, है ना। विद्या क्या देती है हमें? ददाति मतलब देना, तो विद्या क्या देती है हमें? विनय देती है, है ना। विनय से क्या प्राप्त होता है? विनय से क्या आता है हमको? योग्यता आती है। तो पात्रता मतलब योग्यता, ददाति मतलब देना। आप शब्दार्थ को भी समझते जाइए, अगर आप शब्दार्थ समझ लेंगे तो आपको व्याख्या करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रत्वम। विद्या क्या करती है? हमें विनय देती है। ददाति मतलब देना, है ना। विद्या हमें विनय देती कि नहीं? हम बहुत
अगर कोई विद्या ग्रहण करता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, उसमें योग्यता होती है। और विनय से क्या आता है? योग्यता आती है, पात्रता आती है ना। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्र त्वाम। इतना समझ में आया आपको पहली लाइन? अब चलिए अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। पात्रत्वात् धन मापनोति धनाद धर्म ततः सुखम, है ना। पात्रता से क्या प्राप्त होगा? यदि आपने विद्या प्राप्त कर ली, आप में विनय आ गया, है ना, तो आप योग्य हो गए। जब आप योग्य हो गए तो क्या करोगे? आप धन प्राप्त करोगे, धन कमाओगे, है ना। तो पात्रता से हमें क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा। और जब हमारे पास धन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और धनाद धर्म, धर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी। और उसके साथ ही धर्म के साथ ही हमें क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। यदि हमारे पास धन रहेगा, धर्म रहेगा, पात्रता रहेगी, विनय रहेगा, तो निश्चित रूप से ही हमारे पास क्या रहेगा? सुख भी रहेगा, है ना। तो विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म के द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? यदि आ गई तो आप क्या बोलेंगे? आम। आम का मतलब होता है संस्कृत में हाँ, यस मैडम, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आम महोदया। क्योंकि संस्कृत की क्लास है इसलिए हमें संस्कृत में बातचीत करना या जो भी शब्दार्थ है हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? आम महोदया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े। हमारा दूसरा श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। ठीक है, तो आप मेरे संग आखिरी में दोहराएंगे, जैसे मैंने आपको लय पूर्वक इसको पढ़ना सिखाया है वैसे ही आप भी मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, है ना। नास्ति का क्या मतलब होता है? हमने पहले भी पढ़ा है, पहले की पाठ में भी पढ़ा है, पहले के पाठों में भी पढ़ा है। नास्ति मतलब नहीं, ना, है ना। समम मतलब समान, चक्षु मतलब चक्षु, चक्षु मतलब दृष्टि, ठीक है। और सत्य मतलब सत्य बोलना, सत्य सभी जानते हैं, सत्य असत्य बातें होती है जो, तो सत्य मतलब सच्चाई, है ना। वैसे ही नास्ति राग समम, पहले मैं देखिए आपको शब्दार्थ बताते जाती हूँ ताकि आपको व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने बताया आपको नास्ति मतलब नहीं, विद्या मतलब आप सभी जानते हैं, चक्षु मतलब दृष्टि आंख, है ना, और सत्य मतलब सच्चाई, राग समम मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष की भावना जो बोलते हैं, है ना, राग द्वेष ईर्ष्या ईर्ष्या, है ना। और सुख यानी सभी जानते हैं आपका जो अच्छे से आपका जीवन चलता है वो क्या होता है? सुखी जीवन, है ना, सुख पूर्वक रहना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, है ना। तो विद्या के समान, विद्या के समान कोई भी दृष्टि नहीं है, है क्या बच्चों? नहीं है। हम आज जो पढ़ रहे हैं किसके लिए? विद्या के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो विद्या के समान कोई दृष्टि नहीं है, वैसे ही सत्य के समान कोई तप नहीं है। यदि हम सत्य बोलते हैं तो एक तप होता है हमारे जीवन का, क्योंकि कहते हैं ना सत्य पराजित मतलब परेशान होता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है? हमको अडिग रहना पड़ता है, अड़े रहना पड़ता है कि नहीं यही सत्य है। तो क्या है? सत्य के समान कोई भी तप नहीं है, है ना, ठीक है। तो विद्या के समान कोई दृष्टि नहीं है और सत्य के समान कोई तप नहीं है। समझ में आया बच्चों? देखिए दो लाइन है, कितना सरल है। विद्या के समान कोई चक्षु, चक्षु मतलब दृष्टि, है ना। तो विद्या के समान, विद्या समम मतलब विद्या के समान, विद्या के समान क्या है? कोई दृष्टि नहीं है और सत्य के समान कोई भी तप नहीं है। वैसे ही नास्ति राग समम दुखम। अब मान लीजिए हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, है ना, गलत भावना रहेगी तो क्या होगा? हमको दुख दुख प्राप्त होगा, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, है ना।
तो वैसे ही इस्या के समान राग समम, इस्या के समान कोई दुख नहीं है ना, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। हम यदि किसी चीज का त्याग कर लेते हैं, किसी के लिए भी त्याग कर लेते हैं, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। देखिए, चार बातें हैं यहाँ पे, आपको उन चारों बातों को जीवन में अपनाना है। क्योंकि पाठ का नाम ही नीति नौनीतानी है, तो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, हमको उसको जीवन में क्या करना पड़ेगा, उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम जीवन में सुखपूर्वक और अच्छे से संस्कारित होकर रह सके। तो दूसरा क्या है, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान क्या है, कोई भी दृष्टि नहीं है, और सत्य के समान कोई भी तप नहीं है। सत्यम समम, सत्य के समान क्या तप नहीं है। नास्ति राग समम दुख, इससे के समान क्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। इससे के समान, इससे से बड़ा कोई दुख नहीं है। वैसे ही त्याग के समान कोई सुख नास्ति मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको दोनों श्लोक समझ में आ गया। चलिए अब हम तीसरे श्लोक की ओर जाते हैं। तीसरा श्लोक क्या है, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वैधनम, है ना। क्या बोल रहे हैं इसमें, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चलिए आपको याद हो जाएगा, लय पूर्वक गाएंगे तो। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वैधनम, है ना। विदेशों में मतलब कहाँ पे, बाहर, है ना, विदेशों में मतलब बाहर देशों में क्या है, विद्या ही धन है। यदि आपके पास विद्या है ना, आपके पास योग्यता है, तो आप उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बाहर के देशों में, है ना, क्या कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। तो वहां पे क्या माना जाता है, विद्या क्या है, विदेशों में विद्या क्या है, धन है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति। लेकिन यदि आपके पास व्यतन है ना, तो आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, तो आप क्या है, व्यसन के शिकार होंगे, है ना। वैसी परलोके धनम धर्म, परलोक में मतलब इस जीवन के बाद क्या धन है, धर्म धन है ना। इस जीवन के बाद परलोके धनम धर्म क्या है, धन कौन सा है, धर्म है। सीलम सर्वत्र वैधनम, लेकिन अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, है ना, सील सीलम मतलब अच्छा व्यवहार, उचित व्यवहार, वो सभी जगह क्या है, धन है। ना विदेशों में, ना परलोकों में, ना व्यसनेषु, बल्कि वो सभी जगह क्या है, हमारा धन है। वो सभी जगह धन है, क्या, सीलम उचित व्यवहार, अच्छा व्यवहार, है ना, वो सभी जगह धन है। उसके लिए कोई विदेशु, परलेक या व्यसनेषु की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ में आया बच्चों, विदेशों में क्या है, धन विद्या है ना। और जो हमारी बुरी बुद्धि है, गलत बुद्धि है, उसका क्या है, धन गलत व्यवहार, गलत विचार, है ना, जो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, है ना, वो है। परलोके मतलब इस जीवन के बाद क्या है, धन धर्म है। धर्म के द्वारा ही हम दूसरे लोक में भी अपना धन अर्जित कर सकते हैं। किसके द्वारा, धन धर्म के द्वारा। लेकिन जो सील है, अच्छा व्यवहार है, अच्छे लोग हैं, वो क्या, सर्वत्र मतलब सभी जगह ही वो धन के पात्र होते हैं। ठीक है, धन के पात्र हो जाते हैं। अब देखिए, समझ में आया बच्चों, पहला दूसरा तीसरा। देखिए, आप इसके शब्दार्थ को समझेंगे तो आपको व्याख्या करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए चौथा, वर मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, एकश्चंद्रैस्त मोहंती न च तारा सतैरपि। क्या बोल रहा है इसमें, वर मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, एकश्चंद्र इस्त मोहंती न च तारा सतैरपि। मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताइए, समझ में आ रहा होगा। न च मूर्ख सत्यान्यपि, मतलब सत्यान्यपि मतलब शतक, मतलब क्या होता है, सौ, शतक मतलब सौ। यदि सौ मूर्ख पुत्र हैं और एक गुण पुत्र है, तो वो अच्छा है ना भाई, है ना। सौ मूर्ख पुत्रों की बजाय एक गुणी पुत्र है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कैसे, किस प्रकार, जैसे एक चंद्रमा क्या करता है, हमको प्रकाशित कर देता है, अंधकार को दूर भगा देता है, लेकिन हजार तारे भी क्या करते हैं, प्रकाश नहीं ला पाते हैं, है ना। वैसे ही
एक गुड़ी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से क्या है, बड़ा है, श्रेष्ठ है। जैसे एक चंद्रमा क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, लेकिन हजारों तारा मंडल, हजारों ताराओं के समूह क्या करते हैं, अंधकार को दूर नहीं कर पाते। नहीं है ना। ठीक है बच्चों, तो ये चार व्याख्या आपको समझ में आई। एक बार मैं फिर से आपको चौथा समझा देती हूँ। वर में को गुड़ी पुत्रो, एक गुड़ी पुत्रो है, एक गुड़ी पुत्र है जो 100 मूर्ख पुत्रों से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों, कैसे, जिस प्रकार एक चंद्रमा क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, लेकिन तारा मंडल, ताराओं के समूह अंधकार को दूर नहीं कर पाते, प्रकाश नहीं ला पाते। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना पांचवा श्लोक है ना। पांचवा श्लोक क्या हमारा, देखिए 1 2 3 4 आपको क्लियर हो गया। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थम, अब किसमें आ रहे हम, पंचम, है ना। पंचम में क्या बोल रहे हैं आपको, सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नारितम ब्रूयादेश धर्म सनातन। फिर से पढ़ेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नारितम ब्रूयादेश धर्म सनातन। कैसे बोलना चाहिए हमको, क्या असत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन सत्य भी कैसा बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, मतलब प्रियम सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। पहली बात तो सत्य बोलना चाहिए, ब्रूयात मतलब कहना चाहिए, बोलना चाहिए। ध्यान देंगे बच्चों आप, ब्रूयात का मतलब होता है कहना चाहिए या बोलना चाहिए, तो सत्यम ब्रूयात, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, सत्य कहना चाहिए, और कैसा कहना चाहिए, प्रिय सत्य कहना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, है ना, प्रिय कहना चाहिए। कैसा नहीं कहना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, न ब्रूयात मतलब सत्य कहना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। और देखिए नीचे वाला, देखिए प्रियम च नारितम ब्रूयादेश, प्रियम तो बोलना चाहिए लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, ऐसा हमारा सनातन धर्म का विचार है। क्या विचार है, सत्यम ब्रूयात, सत्य कहना चाहिए, प्रिय कहना चाहिए, सत्य और प्रिय दोनों कहना चाहिए, अप्रिय नहीं कहना चाहिए लेकिन सत्य कहना चाहिए। ये हमारा क्या है, सनातन धर्म। ठीक है, अब देखिए बच्चों छठवा, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गाव, परोपकाराय सताम विभूतियः। ठीक है, फिर से पढ़ू एक बार, चलिए फिर से पढ़ लेती हूँ। कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे लय पूर्वक, है ना। यदि हम ऐसे पढ़ेंगे, परोपकाराय फलंती वृक्षा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हम उसको बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इज्जत से, बहुत लय पूर्वक गाएंगे तो अपने आप ही हम इसको क्या करेंगे, अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्य, परोपकाराय दुहंती गाव, परोपकाराय संताम विभूतियः। ध्यान देंगे, है ना, फलंती वृक्षा, वृक्ष क्यों फलते हैं भाई, वृक्ष में फल क्यों लगते हैं, वृक्षा मतलब झाड़ पेड़, वृक्षा मतलब झाड़ पेड़, वहंती मतलब बहना, प्रसारित होती है, नद्य मतलब नदी, नद्य मतलब नदी, वहंती मतलब बहना, दुहंती मतलब, दुहंती मतलब, फलंती मतलब फल देते हैं, वहंती मतलब बहती है, दुहंती मतलब दूध देती है ना, कौन, गाय। कौन परोपकार करते हैं फल के द्वारा, वृक्ष। कौन बहती है परोपकार के लिए, नद्या, नद्या मतलब, नद्या मतलब नदी, है ना। कौन बहती है, कौन बहती है बताइए, नद्या।
वृक्ष क्या करते हैं? परोपकार के लिए क्या देते हैं हमें? फल देते हैं हमें, भाई परोपकार करते हैं ना हमारे ऊपर वृक्ष, जो हमें इतने सारे फल प्राप्त होते हैं, जो हम खाते हैं, हमारे ऊपर क्या है? वृक्षों का परोपकार ही है, जो कि वृक्ष फल देते हैं किसके लिए? परोपकार के लिए, है ना। वैसे ही नदियां क्या होती है? बहती हैं, क्या करती हैं? वो परोपकार करती हैं किसके लिए? हमारे ऊपर, हमें पानी प्राप्त होता है इसके लिए वो लगातार बहती रहती है ना। वैसे ही गाय क्या करती है? दूध ही देती है किसके लिए? परोपकार के लिए, हमें दूध प्राप्त होता है, हमारे ऊपर क्या करती है वो? परोपकार करती है। वैसे ही क्या करते हैं हमारे जो अच्छे लोग हैं, विभूति लोग हैं, वो हमेशा हमारे लिए क्या करते हैं? परोपकार करते हैं, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आया इतना पूरा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक एक दो आपको क्लियर हो गया, तीसरा चौथा इसमें देख लीजिए, शब्दार्थ है जो। अब हम क्या करेंगे, सातवां पढ़ेंगे, ठीक है। सातवां क्या है? सातवां श्लोक, इसके शब्दार्थ भी आप ध्यान रखेंगे, एक दो तीन चार जितनी प्रथमा द्वितीया जितने षष्ठम तक श्लोक है ना, आप उसके शब्दार्थ भी याद रखेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, है ना। फिर से पढ़ू एक बार मैं, अयम निज परावेति, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, है ना। तो अयम, अयम मतलब यह, निज मतलब अपना, है ना, यह मेरा है, यह तुम्हारा है ना। इसकी गणना कौन करते हैं? लघु, छोटे छोटे चित्त वाले, है ना, ये मेरा है तुम्हारा है, ऐसा करो वैसा करो, मतलब बहुत गलत बातें, जो गलत व्यवहार की बातें हैं, है ना, मेरा तुम्हारा, इसकी गणना कौन करते हैं? कौन करते हैं? लघु चित्त साम, लघु मतलब छोटे, चित्त मतलब दिमाग, छोटे चित्त के दिमाग वाले लोग किसकी गणना, करते हैं? यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, इसी में लगे रहते हैं, कौन? लघु चेत साम। ध्यान देंगे बच्चों, आप शब्दार्थ को देखते जाएंगे, है ना। अयम निज परावेति लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधेव कटुंबकम। लेकिन लेकिन उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले जो बहुत अच्छे हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो लघु, जो छोटे, लघु मतलब छोटा, जो छोटे दिमाग वाले हैं, वो बस यही सोचते हैं, ये मेरा ये तुम्हारा। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं, वो पूरे विश्व को, क्या मानते हैं? एक ही परिवार मानते हैं, पूरी पृथ्वी, धरती के लोगों को क्या मानते हैं? अपना ही परिवार मानते हैं। तो समझ में आया बच्चों, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम। ध्यान देंगे यहाँ पे, आप एक भी किसी शब्द को पकड़ेंगे और उसके आधार पे पूरे आप क्या करेंगे, श्लोक का सब व्याख्या कर लेंगे। जैसे लघु चेत साम, आपने लघु चेत साम का अर्थ समझ लिया, मतलब छोटे दिमाग वाले, छोटे चित्त वाले। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरे में, उदार चरित्र नाम, मतलब उदार चरित्र वाले। अब इन दो शब्दों के माध्यम से आप क्या करेंगे, पूरे श्लोक की व्याख्या कर लेंगे। जो लघु चित्त वाले हैं वो क्या करते हैं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इसी की गणना में लगे रहते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, वो मेरा तुम्हारा ना छोड़ के पूरे धरती के लोगों को क्या मानते हैं, एक ही परिवार, एक ही अपना कुटुंब मानते हैं, ठीक है बच्चों। उस कुटुंब का मतलब परिवार, है ना, वसुदेव मतलब हमारी पृथ्वी, धरा, धरती, है ना। तो अब हम आगे बढ़े, अब हम एक बार ना पूरे शब्दार्थ को देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी विद्या ददाति विनयम्। ददाति मतलब क्या होता है, शुरू में बताई थी ना, देता है। विनयात मतलब विनय से, है ना, विनयात मतलब विनय से। पात्रता मतलब योग्यता। विद्या ददाति विनयम् विनयात, याति पात्रत्वम्, पात्रता मतलब योग्यता, फिर आपनौति मतलब प्राप्त होता है। देखिए, पात्रता मतलब योग्यता, लेकिन आपनौति मतलब प्राप्त होता है, और ददाति मतलब देता है। ध्यान देंगे, ददाति मतलब देता है, लेकिन आपनौति मतलब प्राप्त होता है, ठीक है।
ततः मतलब उससे, नास्तिक आपको सबको पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, नास्ति मतलब नहीं है, समम भी बहुत वो है, सरल है, समम का क्या अर्थ होगा, समान। विदेशेषु आपको सब मालूम है, विदेश से ही समझ में आ रहा है, मतलब दूसरा देश, तो क्या हुआ, विदेशों में, विदेशेषु मतलब विदेशों में, है ना, व्यसनेषु मतलब व्यसनों में, वैसी परलोके मतलब परलोक में, ध्यान देंगे, ऊपर था ददाति मतलब देता है, आपनोति मतलब प्राप्त होता है, विदेशेषु मतलब विदेशों में, व्यसनेषु मतलब व्यसनों में, बुराइयों में, है ना, परलोके मतलब परलोक में, मतलब इस लोक के बाद जो लोक होता है उसे हम क्या कहते हैं, परलोक। तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, परलोके, ऊपर ददाति देता है, ती त अंति ध्यान देंगे आपका लकार आ गया वहां पे, है ना, वैसे नास्ती, है ना। और उसी के बाद हमने पढ़ा था वर मेको पुत्र, तो वरम मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, किन किन मूर्ख पुत्रों से, सौ मूर्ख पुत्रों से, कौन है, एक वर मेको मतलब एक क्या गुड़ी पुत्र क्या है, श्रेष्ठ है, तो वरम का क्या अर्थ हुआ, श्रेष्ठ। तम का मतलब आप सब जानते हैं, अंधकार, है ना। हंती मैंने आपको बताया था मारता है ना, जैसे ददाती मतलब देता है, आपनोती मतलब प्राप्त होता है, हंती मतलब मारता है, ब्रुयात मतलब सत्यम ब्रुयात, मैंने आपको बताया था ना कैसा बोलना चाहिए, कैसा कहना चाहिए, सत्यम ब्रुयात, ब्रुयात मतलब बोलना चाहिए। परोपकाराय मतलब आप सब जानते हैं, परोपकाराय मतलब परोपकार के, विदेशों से सु मतलब विदेशों में, व्यसनेषु मतलब व्यसनों में, बुराइयों में, परलोके मतलब परलोक में, दूसरे लोक में, है ना, परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए ध्यान देंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे, कारक रचना, है ना, वैसे ही ददाती, आपनोती, फलंती, फलते हैं, अंति, मैंने आपको बताया था अस्ति मतलब है, लेकिन जहां पे संति आ गया तो है के ऊपर क्या आ जाएगी, एक बिंदु आ जाएगी, तो फलंती मतलब फलते हैं, वहंती मतलब कौन बहती है, नद्या, तो बहंती क्या आ जाएगा, बहती है, अयम मतलब यह, अयम नीच, वही यह मेरा है, यह तेरा है, तो अयम का क्या मतलब हुआ, यह परोवेति, पराया, यह मेरा है, यह पराया है ना, तो परोवेति मतलब पराया। मैंने आपको बताया था वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी जो धरती है, पूरी पृथ्वी है, क्या है, संपूर्ण धरती हमारा क्या है, परिवार है हमारा, है ना, कुटुंब मतलब परिवार है। तो ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको इतना समझ में आया, बहुत आसान लग रहा होगा अब आपको, चलिए अब हम इतने पढ़ लिए, हमने समझ लिया, अब हम इस पाठ के क्या करेंगे, अभ्यास को प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना, लिखेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न पहला है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसमें क्या है, चार प्रश्न है ना, फिर बारी बारी से मैं आपको पूरे एक एक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी और आप भी मुझे बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दूसरा प्रश्न है निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तीसरा क्या है, उचित संबंध जोड़ो, है ना, हमको मेल करना है कहाँ पे क्या सही है, और चौथा हमारा क्या है, व्याकरण, व्याकरण पोर्शन है ना, व्याकरण है, तो विद्या आकारांश, विद्या की हमको क्या करना है, आकारांश शब्द की स्त्रीलिंग की कारक रचना लिखनी है, और प्राप्त शब्द का लट लकार एवं लिट लकार परस्मै पद में रूप में लिखना है। चलिए अब हम आपको बारी बारी से एक बताते हैं ना, पहला प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न का क्या है, विद्या किम ददाती, विद्या क्या देती है हमें, मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या देती है विद्या, विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है, तो विद्या विनयम ददाती, किम सम सुखम नास्ति, किससे हमको सुख प्राप्त नहीं होता है भाई, किससे हमको, है ना, त्याग मतलब कुछ पढ़े थे ना हम, किसके समान कोई सुख नहीं है, किसके समान कोई सुख नहीं है, यदि हम कुछ कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, किसी चीज का त्याग कर देते हैं तो हमको उससे आगे फायदा ही होता है ना, तो उससे हमको सुख प्राप्त होता है ना, तो त्यागम समम सुखम नास्ति। देखिए पहला क्या था, विद्या किम ददाती, तो क्या आ जाएगा, विद्या विनियम ददाती, किम समम सुखम नास्ति, तो क्या आ जाएगा, त्यागम समम सुखम नास्ति, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कुत्र धनम धर्म, कुत्र धनम धर्म, जब हम दूसरे लोग जाते हैं तो वहां हम किसके द्वारा धन प्राप्त करते हैं,
बताइए किसके द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं? शुरू में बताई थी मैंने आपको, दूसरे लोक में गए तो हम किसके द्वारा करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परलोक के, है ना, परलोक के धनम धर्म। वहां पे हमको धन की प्राप्ति किससे प्राप्त होगी, किस लोक में जाने पे? तो वहां पे क्या आ जाएगा? परलोक के, है ना। तीसरा का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरे का उत्तर क्या आ जाएगा? ग का, परलोक के धनम धर्म। अब फिर से वही देखिए बात आ रही, हमने ऊपर पढ़ा था, कह गुड़ी पुत्रो अस्ति, कौन गुड़ी पुत्र कहलाता है बताइए? श्रेष्ठ जो होता है कौन होता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्मिक, है ना, वर्मिक को गुड़ी पुत्रो अस्ति। अंग का क्या आएगा? कथम ब्रूयात, कैसा कहना चाहिए हमको? असत्य कहना चाहिए क्या? नहीं, कैसा कहना चाहिए? सत्यम ब्रूयात, ठीक है। च क्या आएगा? कस्मै वृक्षा फलंती, किसके लिए? परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, है ना। किसके लिए फल देते हैं हमको? परोपकार के लिए क्या करते हैं हमको? वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं, ठीक है। तो पहला का क्या आएगा? विद्या विनयम ददाति, है ना, त्याग समम सुख नास्ति, दूसरे ख का उत्तर। तीसरे का है खुत्र धनम धर्म, तो परलोक के धनम धर्म। फिर घ का वर्मे को गुड़ी, क गुड़ी पुत्रो अस्ति, तो एक श्रेष्ठ पुत्र क्या है जो गुड़ी होता है, वो कौन है? वो सौ मूर्खों से भी एक जो होता है वो गुड़ी पुत्र होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? वर्मे को कैसे कहना चाहिए? अंगा में कथम ब्रूयात, हमको कैसी बात करना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? तो क्या आ जाएगा वहां पे? सत्यम ब्रूयात। कस्मै वृक्षा फलंती, किसके लिए हमको वृक्ष फल देते हैं, क्या करते हैं हमारे ऊपर? तो क्या आ जाएगा हम वहां पे? परोपकारी फलंती वृक्षा, क्या आ जाएगा? परोपकारे फलंती वृक्षा। फिर छ का, छ आएगा, छ का आखिरी वाले का, केसां तु वसुधैव कुटुंबकं भवति, है ना। किन लोग चाहते हैं, किन लोग सोचते हैं ऐसा कि पूरा हमारा जो पूरी जो धरती है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, हमारी क्या है? एक परिवार है, एक कुटुंब के समान है। कौन सोचते हैं बताइए? ऊपर के श्लोक में हमने पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा वहां पे? उदार चरितम, अच्छे चरित्र वाले, उदार चरित्र वाले। वो हमेशा कैसे सोचते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारी क्या है? एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। वसुधेव मतलब धरा, पृथ्वी, धरती, है ना। तो देखिए, और कैसे लोग नहीं चाहते, कैसे लोग बोलते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, यह मेरा है, यह पराया है। कौन से? लघु चेती सम, है ना, जो बहुत छोटे दिमाग वाले हैं, छोटे चित्त वाले हैं, उन लोग कैसे सोचते हैं? यह मेरा है, यह पराया है, इसी की गणना में लगे रहते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, वो पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा को क्या मानते हैं? अपने परिवार के समान मानते हैं, एक ही परिवार है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है बच्चों, पूरे आपको क से लेकर छ तक इसके उत्तर आपको समझ में आ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको क्या करना है यहाँ पे? जो बीच में खाली स्थान दिया गया है उसको हमको क्या करना है? भरना है, ठीक है। नास्ति त्या सत्यम तपा, है ना, नास्ति सत्यम तपा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? कैसा, किसके मतलब हमको प्राप्त होता है तप? किसके द्वारा प्राप्त होता है हमको तप बताइए? किसके समान है? तो सम, यहाँ पे क्या मिसिंग है बताइए? क्या विलुप्त हो गया है? तो नास्ति सत्यम समम तप, क्या जगह यहाँ पे? नास्ति सत्यम समम तप, है ना, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा ये क्या है प्रश्न? दूसरा, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नास्ति सत्यम समम तपा, वैसे ही कहाँ पे विद्या धन है बताइए? कहाँ पे विद्या धन है? मैंने बताई थी ना आपको, अपने देश में कि बाहर के देश में? तो उसको क्या बोलेंगे? विदेशेसु, उसको क्या बोलेंगे? खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खालिस्तान की जगह पे क्या पड़ जाएगा? विदेशेसु धनम विद्या, विदेशेसु धनम विद्या। पहले में क्या आ जाएगा? सवम, कैसा? सत्य के समान कोई तप नहीं है। तो श्लोक यहाँ पे पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? नास्ति सत्यम समम तप, वैसे ही
यहाँ पे क्या आ जाएगा? विदेशेषु धनं विद्या। तीसरा देखिए ग नच नच क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताई थी ना, 100 मूर्खों के से नहीं बल्कि क्या होता है, एक बुढ़ी पुत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे क्या श्लोक पूरा होगा? न च मूर्ख, न च मूर्ख सतान्यापि। वैसे ही घ का क्या होगा? खाली स्थान ब्रूयात, खाली स्थान ब्रूयात। तो कैसा बोलना चाहिए? ब्रूयात मतलब कहना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, क्या आएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताइए? उदार सत्यम ब्रूयात, और कैसा बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कैसा बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात, है ना? सत्य भी बोलना चाहिए और साथ ही साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। अब देखिए अंग उदार चरिता नाम तू, मैंने कई बार आपको बताया है उदार चरित्र वाले कैसे मानते हैं पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को क्या मानते हैं? एक ही फैमिली मानते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम भवति, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम भवति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए अब हम उसको क्या करना है, संबंध जोड़ना है। जिसके आगे जो सही है उसको हमको वहां पे इन पांचों में देखकर लिखना है। वसुदेव कुटुंब के सामने जो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, जो भी यहाँ पे जुड़ रहा है, उसको हमको वसुदेव कुटुंबकम के सामने लिखना है। ऐसे ही हम क्या कहेंगे? उचित संबंध जोड़ो, जो इसका सही आधार है, जो सही संबंध है, उसको हमको वहां पे लिखना है। बहुत सरल है बच्चों, आपने कई बार इसे अभी मैं समझा चुकी हूँ, आपको याद हो गया होगा, है ना? तो का क्या है? वसुधेव कुटुंबकम। कैसे लोग मानते हैं बताइए, किस प्रकार के लोग मानते हैं? पूरी पृथ्वी को एक ही परिवार या एक ही कुटुंब किस किन लोग मानते हैं बताइए? कौन सा जाएगा? उदार चरिता नाम, है ना? उदार चरित वाले। तो क के सामने क्या आ जाएगा? उदार चरिता नाम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम। ठीक है, वैसे ही दुहंती, दुहंती के आगे क्या आ जाएगा? गाय क्या करती है? परोपकार पूर्वक हमें क्या करती है? दूध देती है ना? तो किस उसके सामने क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या दिया देखिए? गावा, गावा मतलब गाय, दुहंती गावा। खा में क्या आ जाएगा? दुहंती गावा। का में क्या था बताइए? वसुदेव कुटुंबकम की जगह उदार चरिता नाम दुहंती, है ना? देती है, दूध देती है। तो क्या आ जाएगा? देखिए अस्ति मतलब है, जहां पे अंति आ गया मतलब क्या हो जाएगा? है के ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? है हो जाएगा, है नहीं है। ठीक है, तो दुहंती गावः, गाय क्या करती है? दूध देती है। किसके लिए? परोपकार के लिए। ठीक है, अब देखिए गुड़ी पुत्रो, गुड़ी पुत्रो मैंने आपको कई बार समझाई हूँ, बहुत बार बताई हूँ, आपको याद हो गया होगा। गुड़ी पुत्रो वरम, वरम मतलब वर्मी को मतलब श्रेष्ठ, है ना? कौन होता है? गुड़ी पुत्र ही क्या है? श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ के लिए क्या यहाँ पे लग जाएगा बताइए? श्रेष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? वरम, है ना? हमने पढ़ा था ना, वरमेको गुणी पुत्रो, है ना? नच मूर्ख सतान्यापि। 100 मूर्ख पुत्रों के बजाय क्या है? एक गुणी पुत्र क्या है? श्रेष्ठ है। किस प्रकार? जैसे अकेला चंद्रमा प्रकाशित कर लेता है, लेकिन ताराओं का समूह भी अंधकार को दूर कई बार नहीं कर पाता, वैसे ही एक गुणी पुत्र क्या है? 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा संबंध जोड़े में बताइए? वरम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वरम, है ना? तो गुड़ी पुत्रो वरम। अब देखिए घा में बढ़ते हैं, है ना? घा में क्या बोल रहा है? विद्या। सबसे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था विद्या, विद्या क्या करती है, क्या देती है हमें विद्या? देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है विनियम। विद्या क्या देती है? विनियम, विनय देती है। तो विद्या की जगह क्या आ जाएगा? विनियम। वैसे ही अंगा सत्यम, सत्यम क्या है? सत्य के समान क्या है? कोई तप नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सत्यम तप। ध्यान देंगे आप, आपको मैं एक बार फिर से पूरा बता देती हूँ। क के सामने आएगा वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, ख में आएगा दुहंती गावः, ग गुड़ी पुत्रों में आएगा वरम, विद्या में आएगा विनियम,
और सत्यम में आएगा तपम। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज ये अपना कंप्लीट हुआ, लेकिन आपको गृह कार्य भी तो मुझे देना है ताकि आप कर पाओ, है ना, और पूरा परीक्षा में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सको। अब आपके लिए गृह कार्य, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप अपना अच्छे से गृह कार्य संपूर्ण कर पाओ, है ना। विद्या अकारांत शब्द स्त्रीलिंग की कारकृष्णा किसके समान होगा, ये साला। आपने साला की कारकृष्णा पहले पढ़ी है ना, वैसे ही आएगा, है ना। आकारांत है, या में क्या लगाया, आकारांत, है ना। तो साला की जैसे कारकृष्णा है, और क्या है ये, स्त्रीलिंग है, ये क्या है, आकारांत है, उसके साथ ही क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। तो विद्या विद्य विद्या, थोड़ा सा बता दी हूं भाई आपको, साला के समान ही आपको इसको क्या करना है, पूरा करना है। वैसे ही प्राप, प्रश्न पांचवा है, प्राप शब्द का लट लकार एवं लिट लकार प्रश्न पद में रूप चलाइए। ठीक है, तो तीता अंति के अनुसार ही होगा क्या, प्राप प्रथम पुरुष, तीता अंति, मध्यम पुरुष सीता था, और उत्तम पुरुष मीवा मा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लट लकार और लिट लकार परस्मै पद में आपको रूप चलाना है, प्राप्त मतलब प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, सभी को सर्वभ्यो नमो नमः, धन्यवाद। ठीक है।